राजनीति में एक गलती कब भारी पड़ जाता है इसका अंदाजा लोगों को नहीं हो सकता। कब कौन सी चाल आपके लिए महंगा पड़ जाए। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को रोकने का पूरा प्रयास किया कि वे जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं कर सके, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उल्टे अखिलेश यादव ने जो चाल चला उसके ट्रैप में लगता है योगी आदित्यनाथ फंस गए। उन्होंने खुलेआम इस बात की घोषणा की कि अब समाजवादियों को वैसे लोगों से दूर होना चाहिए जो उनका विचारधारा का सम्मान नहीं करता है। उनका इशारा सीधे नीतीश कुमार की तरफ था। नीतीश कुमार आजकल मोदी सरकार की बैसाखी बनी हुई है और थोड़े थोड़े मनमुटाव में भी चल रहे हैं। नीतीश कुमार आजकल बीजेपी से कुछ कटे कटे से दिख रहे हैं। वे जेपी नड्डा और अमित शाह से भी बात करना बंद कर चुके हैं, और ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार बोलना बंद कर दे तो समझ लीजिए भूचाल आने का टाइम आ चुका है, और हो सकता है वो एक बार पूरी ताकत से पलटने की पूरी कोशिश में लगा हो, अपने जुगाड़ भिरा रहे हो। क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने खुलेआम न्योता दे दिया, आइए प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खाली है, और आप अच्छी तरह समझ लीजिए जब तक नरेंद्र मोदी है नीतीश कुमार के ये प्रधानमंत्री बनने वाला सपना तो कभी पूरा हो नहीं सकता। तो लगे हाथ क्यों नहीं निधि जी अपने सपना को भी पूरा कर ले, और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 75 होने के पहले रिटायर हो जाए। राजनीति है, कब कौन किधर जाएगा कहना मुश्किल है। अब देखिए क्या क्या खेल हो पाता है। मैं महावीर कुशवाहा।